वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, एक मसला आजकल हमारे घरों में ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चों को सब्ज़ी नहीं खानी है। सब्ज़ी ना खाने के लिए उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं, और मैं आपको आज एक ट्रिक बताने वाली हूँ कि बच्चे जब सब्ज़ी ना खाएं तो आप उसको कैसे खिला सकते हैं परांठे में छुपा करके। तो यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने दिया है आटा और मैं बनाने वाली हूँ एक पतली सी लंबी सी चपाती, और इसकी स्टफिंग मैं कुछ इस तरह बनाऊंगी कि बच्चे खा भी लेंगे और उनके अंदर न्यूट्रिशन भी जाएगी और वो देखने में भी थोड़ी सी डिफरेंट तरह की शेप आ जाती है। आप खूब लंबी सी रोटी बना लें, जितनी पतली हो उतना अच्छा है। और इसमें मैं भरने वाली हूँ ये मटर और पत्ता गोभी की मैंने सब्जी बनाई थी, क्योंकि मुझे पता है बच्चों ने नहीं खानी है। तो इसको मैं इस तरीके से भरूँगी कि ये पराठा टूटेगा भी नहीं और बच्चे खा भी लेंगे और हमारा मदर्स का पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा कि बच्चों ने थोड़ी सी सब्जी खाई। नहीं तो होता वही है कि उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि कोई मैदे की चीज़ हमें मंगवा दें, ऑर्डर कर दें, कोई बर्गर मंगवा दें या कुछ। तो पत्ता गोभी तो खासकर बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ देखें, मैंने चपाती के, हालांकि ये ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है जल्दी में, तो एक कॉर्नर पे मैंने सब्जी रख दी है। और अभी मैं आप देखिएगा कि मैं इसको कैसे फोल्ड करके पराठा बनाती हूँ। पराठे के इस पोर्शन में मैं लगा दूंगी थोड़ा सा घी, स्पेशली ये कॉर्नर्स कॉर्नर्स पे। और अब हम इसको फोल्ड कर देंगे डोसे की फॉर्म में, जैसे डी बनाते हैं ना। तो मैं अपने बच्चों को ऐसे ही खिलाती रही हूँ कि आज मैं तुमको डी वाला पराठा खिलाऊंगी। इस एजेस को आप प्यार से फिंगर से दबा दें और सब्जी को भी, जो अंदर हमने फिलिंग डाली है, इसको भी थोड़ा थोड़ा ऐसे बिठा दें। तो चलिए अब हम इसको सेक लेते हैं। तवे पर मैं लगा दूंगी पहले थोड़ा सा घी, और अब हम धीमी आंच पे इसमें पराठे को पका लेते हैं। धीमी आंच पे पराठा पक रहा है और इसकी इस साइड पे भी हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। इसको स्लो ही पकाना है। आप चाहें तो पराठे को चटपटा करने के लिए इसी मिक्सचर में थोड़ी सी और चीज़ें भी डाल सकते हैं, मसाले वगैरह, अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं। जैसे कि मेरा बच्चा मैगी मसाला बहुत पसंद करता है, तो मैं उसको ये थोड़ा सा छिड़क देती हूँ मैगी का मसाला ला करके। और मैगी की सॉस आती है उसके साथ, इसको आप सर्व कर देंगे तो खा लेंगे। देखें, पराठा थोड़ा सा बीच में टूट रहा है, इसलिए हम इसको धीमे से पलट देंगे। ये देखें, काफ़ी क्रिस्प हो चुका है इस साइड से, क्योंकि मैंने इसको धीमी आंच पे पकाया था। बहुत छोटा था मेरा बेटा, तब से मैं उसको ऐसे सब्जियां छुपा छुपा के खिला रही हूँ। कभी सब्जियों के कटलेट बनाने होते हैं तो उसमें आलू मिक्स कर दो सारी सब्जियों को, जो भी हम रोज़मर्रा में बनाते ही हैं सब्जी, पर बच्चे को खानी नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव हमें ट्राई ज़रूर कर लेने चाहिए, ताकि जब बच्चे छोटे हैं तो उनकी ज़ुबान पे वो टेस्ट किसी ना किसी तरीके से आ जाए, और धीरे धीरे जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो इवेंचुअली सीख ही जाते हैं उस सब्ज़ी को खाना। अगर हम अवॉइड करते हैं कि चलो बच्चा नहीं खा रहा है तो कोई बात नहीं, फिर हम इसको कुछ और दे दें, तो फिर बच्चे की वो मेमोरी में वो स्वाद नहीं रहता और वो बड़ा होके भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है।
इसलिए कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा सा मुश्किल तो रहता है मदर का काम, जब बच्चे छोटे होते हैं और नई नई चीज़ें हम उनको खिलाना चाहते हैं, वो खाते नहीं हैं। तो मेरा बच्चे जैसे लौकी नहीं खाते, तो फिर मैं लौकी के कोफ्ते बना करके उसकी सब्ज़ी बना के खिलाती रही हूँ। पत्ता गोभी नहीं खानी है, मूली नहीं खानी है, तो इस तरीके से पराठे बनाती हूँ। और इस पराठे का नाम है डी पराठा, बहुत शौक से वो खा लेता है। तो आई होप आपको ये सजेशंस पसंद आए होंगे, स्पेशली जो माताएं अभी बहुत छोटी हैं, अभी न्यूली मैरिड हैं, बच्चे नर्सरी या LKG में जाते हैं, उनके टिफ़िन में कुछ डालना हो तो आप इस तरीके से उनको पूरी सब्जियां भर दें, थोड़ा धीमी आंच पे पका के उनको ये पराठा खिलाएं, और दही के साथ या सॉस के साथ उनको सर्व कर दें। इवन आप शाम को स्नैक्स की जगह भी ये पराठा बना के खिला सकती हैं। तो बच्चे आते हैं स्कूल से तो उनको झटपट कुछ चाहिए होता है, तो ये बना दें तो इसको वो एज स्नैक्स ले लेंगे, उसको एज मील नहीं कंसिडर करेंगे। तो हमारा भी काम हो जाएगा कि हमने उनको स्नैक्स में एक न्यूट्रिशियस सा पराठा बना के खिला दिया। मैं इस तरीके से इसमें पनीर भी भर देती होती हूँ तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी नई जानकारी के साथ। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग जानकारियाँ आप तक रोज़ पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं।